Hi, my name is Vikas Meel, and I am the lead instructor at ASJ and a pass out from IIT Delhi, and where I did my BTech in mechanical engineering. So today, we will talk about the upcoming JE Mains 2021 exam. So abhi jo February 23rd se February 26th tak jo JE Mains ke exam aane wale hain aapke, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, जिसमें आपको जो टिप्स आपको हेल्प करेंगी टू परफॉर्म बेटर, एंड वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक्स व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दीज एग्ज़ाम्स फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स इन फिज़िक्स। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये है, अब तकरीबन 7 दिन बचे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी भी तैयारी आपकी हो चुकी है वो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आपको आप पैनिक नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि मेरी तैयारी कम है या मेरी तैयारी आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं भूल रहा हूँ चीज़ें। डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स। अब इस वक्त रिलैक्स रह के जितना आप अपनी तैयारी को कंसोलिडेट कर सकते हैं उतना ही आपके नंबर्स में वो हेल्प करेगा। तो कुछ चीज़ें अपन इस वीडियो के एंड में बात करेंगे जो आपको ध्यान रखनी है, बट फिलहाल के लिए मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेता हूँ कि फिज़िक्स में किन किन टॉपिक से आप कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जेई मेन्स 2020 के डेटा को लेके हमने ये जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, वैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे भी, लेकिन अगर मैं क्विकली सारे चैप्टर्स में रन थ्रू करूं तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस से अपन चालू करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स से भी तकरीबन एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फोर्स एंड मोशन से अधिकतर नहीं आता है बट वो किसी और रूप में आता है, किसी और टॉपिक में आ जाता है, बट उसमें भी मान लीजिए कि आप एक आधा क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपका टिपिकल फोर्स एंड मोशन का क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, रोटेशन से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एन एवरेज, हम जो आपको बता रहे हैं ये नंबर्स ये एवरेज हैं। अगर आप सारे डेट्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि सितंबर 2nd से सितंबर 6th 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, आप उन सारे के सारे 10 पेपर्स मॉर्निंग और आफ्टरनून सबको अगर मिलाकर देखें तो ये एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इन टॉपिक से वो हैं। तो जारी करते हैं आगे, ग्रेविटेशन से एक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से एक, दी सिंपल हार्मोनिक मोशन से कभी कभार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेव से भी ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक से भी 2 कर सकते हैं, इंडक्शन से 1 कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से आप 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिक्स से आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से आप 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सेमीकंडक्टर से कभी कभार 1 क्वेश्चन आता है। अच्छा, तो ये तो हमने एक एवरेज की बात कर ली। अब देखते हैं, अगर आप उनमें से हैं जो ये चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में मैं 99% टारगेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वंस अगेन याद ये रखना है, अगर आपकी पकड़ नहीं है तो ज़्यादा घबराना नहीं है, अगर पकड़ आपकी थोड़ी सी वीक भी महसूस होती है तब भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करना चाहिए आपको उनके बारे में एंड में बात करेंगे। अच्छा, तो कैरी ऑन करते हैं। अपना ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, जो जिनमें से जो देखा गया है कि क्वेश्चंस लगातार आते ही आते हैं और सर्टेन नंबर्स में आते हैं, तो कौन कौन से, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में कम से कम आप 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
थर्मोडायनेमिक्स में भी आप कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा चार। तो कोशिश करें कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार नजर मारें, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। मॉडर्न फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 से 3, रोटेशन में कई एग्जाम पेपर्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और कईयों में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक्स में 1 से 2 क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही 1 से 2 क्वेश्चंस, इंडक्शन एंड एलसी ऑसिलेशंस में भी 1 से 2 क्वेश्चंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में 1 से 2, सेंटर ऑफ मास में कई बार नहीं आते लेकिन कई बार 2 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं। ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंसिस्टेंटली एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मान के चलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है उस टॉपिक के लिए, उसमें से आएगा ही आएगा। वेव्स में कई बार क्वेश्चन नहीं आते हैं बट कई बार 2 क्वेश्चन तक भी अधिकतम पूछे जा सकते हैं। बाकी बचे हुए टॉपिक्स आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पर ऑन दी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। तो परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशन, मैग्नेटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन एंड एलसी ऑसिलेशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशन, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, वेव्स, अगर आप ये सारे टॉपिक्स में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और या अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप 99% क्रॉस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बचे हुए टॉपिक्स जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वर्क एनर्जी, पावर, सेमीकंडक्टर्स, फोर्स एंड मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन को बिल्कुल ही नकार दें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उनको भी अच्छे से रिवाइज करें, और कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन है जो ट्रिकी लगा, आपके पकड़ में नहीं आया, तो आप उन टॉपिक्स में से रिकवर कर सकते हैं। तो ये रहा मोटा मोटा एनालिसिस कि किस में से कहाँ से आ रहे हैं। तो जस्ट बता दूं तो अपने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स जो कि अधिकतर 12th वाले टॉपिक्स रहते हैं, इनमें कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं। 11th वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कई पेपर्स में कुछ टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं, तो फिर भी कोशिश करें कि आपकी जो रिविजन वाला जो फोकस है वो इन टॉपिक्स पर रहे जो मैंने मैंशन किया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। पहली बात तो वंस अगेन आई रिपीट, इस वक्त टेंशन नहीं लेनी है, जैसे कहते हैं चिल रहना है, चिल करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लास्ट के फ्यू डेज में बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दें किसी भी एक सब्जेक्ट पे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, लेकिन इस वक्त लास्ट के कुछ दिनों में सिर्फ कंसोलिडेशन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको आप रिविजिट करें, की फॉर्मूलेस को जहाँ पर आपको लगता है कि आप भूलते हैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। और अब बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप एग्ज़ाम के को अप्रोच कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग में है लेकिन आप जो अपना पढ़ाई का रूटीन है, आपका रूटीन ऐसा है कि आप लेट तक पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये रहा होगा कि आप सुबह लेट से उठते हैं, तो अगर आप ऐसे हैं, ऐसे दिनचर्या वाले हैं, स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग में है तो आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा बदलें। तो कहने का मतलब ये है कि आप सुबह टाइम से उठें, कि जिस टाइम पर आप एग्ज़ाम के दिन उठने वाले हैं उसी टाइम पे आप रेगुलरली उठने की कोशिश करें लास्ट के फ्यू डेज में। उसका रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप उठते हैं लेट्स से कि 10 से 11 और आपका एग्ज़ाम है 9 o'clock का, तो एग्ज़ाम डे पे अगर आप 7 बजे उठेंगे तो आपका दिमाग रहेगा एक डल और एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहेगा, तो आप सोचेंगे यार मैं तो नॉर्मल फील नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी बॉडी रेडी नहीं है, माइंड चाहता है कि मैं रेडी हो जाऊं, तो वहां पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो जाती है जिससे अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तो ध्यान रखें कि अपनी दिनचर्या वैसी कर लें जैसे कि आप एग्जाम डे पे रहने वाली है। अच्छा, दूसरी बात ये, खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ा सा लाइट खाएं, थोड़ा सा लिक्विड की इनटेक सही रखें, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें,
ऑल दोज थिंग्स दैट विल हेल्प योर माइंड परफॉर्म बेटर। तो इसके साथ मैं यहाँ पर ये वाला डिस्कशन समाप्त करता हूँ। आई विल स्टॉप हियर, बट इफ़ यू हैव एनी इनपुट एनी कॉमेंट्स फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो एंड विल बी पुटिंग आउट मोर वीडियोज। सो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।